दोस्तों, कभी-कभी गैर मामूली छोटी मखलूक सबसे ज्यादा खौफनाक हो सकती है। हम सब मगरमच्छों, जहरीले सांपों और कभी-कभार आपके सामने आने वाले शेर से होशियार रहना जानते हैं, लेकिन कुछ छोटे और यहाँ तक के बजाहिर ना होने के बराबर भी कीड़े उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि हर साल हादसात में लोग इतने नहीं मरते जितना कि इन कीड़े मकोड़ों के काटने से मर जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 खतरनाक तरीन हशरातुल अर्ज के बारे में बताएंगे कि अगर आपको भी कहीं वो नजर आए तो आप उनसे हमेशा बचकर रहें। नंबर 10, अफ्रीकन हनी बीज, जिन्हें कातिल शहद की मक्खियों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शहद की मक्खी को हम अक्सर औकात में देखते हैं और अगर ये हम पर हमला आवर हो जाए तो इसे मामूली ही समझा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके काटने से इंसान का दिल भी बंद हो सकता है। अफ्रीकी शहद की मक्खियां एक ऐसी कुव्वत हैं कि ब्राजील में अपने तारुफ के बाद तकरीबन 1000 इंसानों को हलाक कर चुकी है। एक कॉलोनी में 80,000 तक शहद की मक्खियां हो सकती है और वो इंतकामी शख्सियत की वजह से मशहूर है। अगर उनके घर में खलल पड़ता है और कोई उन्हें छेड़ता है तो वो 1 मील से ज्यादा लोगों का पीछा करती हैं। मगरबी शहद की मक्खी का जहर अपने तौर पर खास ताकतवर या खतरनाक है, जिसके नतीजे में एक ही दम में कई हजार डंग लग सकते हैं। वो दिगर कीड़ों को पकड़ने और मारने की अपनी सलाहियत के लिए मशहूर है। बशमूर कैटरपिलर, बैटल्स और दिगर कीड़े वो आमतौर पर भूरे या स्याह रंग की होती है और उनका साइज 1 इंच से ज्यादा हो सकता है। वो अपने शिकार को छेदने के लिए अपने लंबे तेज धारे का इस्तेमाल करती हैं, एक जहरीला टीका लगाती हैं जो इसे मफलूज और मार देता है। इसके बाद वो अपने शिकार के अंदर का माया चूसते हैं, सिर्फ खाली खोल पीछे रह जाते हैं। ये मक्खियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और अब तक 7,000 से ज्यादा अनवा हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। कुछ प्रजातियों को फायदेमंद समझा जाता है क्योंकि वो कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, जबकि दिगर इंसानों और दूसरे जानवरों को बीमारियां मुंतकिल करने के लिए जानी जाती हैं। नंबर 9, जायंट वाटर बग्स। जायंट वाटर बग्स, जिन्हें पैर काटने वाले के नाम से भी जाना जाता है, बड़े शिकारी कीड़े हैं जो मीठे पानी की रिहाइश गाहों जैसे तालाबों, झीलों और नदियों में पाए जाते हैं। वो आमतौर पर भूरे या गहरे रंग के होते हैं और उनका चिपटा लंबा जिस्म होता है जिसकी शक्ल ढाल की तरह होती है। दोस्तों, ये कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि ये एक छोटी मछली से लेकर एक बड़े सांप को भी खा सकता है। अगरचा पानी के द्योहेकल कीड़े आमतौर पर इंसानों के लिए जारहाना नहीं होते हैं, लेकिन इनका एक दर्दनाक काटना होता है जो मुमकिन तौर पर खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसकी जिसामत तो काकरोच की तरह है, मगर ये उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। अगर किसी शख्स को पानी के इस बड़े कीड़े ने काट लिया है तो इसे काफी मिकदार में दर्द, सूजन और तकलीफ हो सकती है, इसीलिए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करना जरूरी है। दोस्तों, ये कीड़ा अपने अंडों के मामले में भी बहुत संजीदा होता है और इनको अपने कमरे पर ही रखता है। नंबर 8, ह्यूमन बॉटफ्लाई। दोस्तों, ये दूसरी मक्खियों से बहुत ज्यादा खतरनाक और मुख्तलिफ मक्खी जानी जाती है। इंसानी बॉटफ्लाई, जिसे डर्मोटोबिया होमिन्स भी कहा जाता है, एक किस्म की तुफेली मक्खी है जो इंसानों समेत ममालिया जानवरों की जिल्द पर अपने अंडे देती है। जब अंडे निकलते हैं तो लार्वा जिल्द में घुस जाता है, जहाँ वो बालिग मक्खियों के तौर पर उभरने से पहले कई हफ्तों तक खाना खाते और बढ़ते हैं। ये अमल मियासिस के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मक्खी किसी इंसान पर लावा छोड़ दे तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगरचा बोट फ्लाई गैर आरामदेह हो सकती है और जिल्द की जलन का सबब बन सकती है, ताहम बाज़ सूरतों में लार्वा से इन्फेक्शन या जिल्द की बीमारियां पैदा हो सकती है। दोस्तों, ये बोट फ्लाई बुनियादी तौर पर वस्ती और जनूबी अमरीका में पाई जाती है और दुनिया के दिगर हिस्सों में आमतौर पर नहीं पाई जाती। नंबर 7, मॉस्किटो। जी हाँ दोस्तों, मच्छरों को तो अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसे खतरनाक हकायक बताने जा रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, CDC ने मच्छर को दुनिया का सबसे मोहलिक जानवर का नाम दिया है। मच्छर एक बहुत खतरनाक कीड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक आज जमीन पर मच्छरों के 3200 मुख्तलिफ इकसाम जिंदा है, जिनमें से 174 रियासत हाय मुतहदा में पाई जाती हैं। ये गंदे इनवर्टिब्रेट्स इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह बीमारियों के वेक्टर हैं, जिनमें से कुछ मोहलिक भी हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, जिका वायरस,
वेस्ट नील वायरस, डेंगू, जर्द बुखार और चिकनगुनिया शामिल हैं। हर साल मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से कई मिलियन तक अमवात होती हैं। दोस्तों, आपके जहन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिरकार मच्छर हमें रात के अंधेरों में कैसे ढूंढ लेता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो मच्छर को 70 फुट दूर भी इसका पता चल जाता है और यूं वो इंसानों पर हमला करके उनका खून चूस लेता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हर 1 मिनट के बाद एक मौत इस खतरनाक कीड़े की वजह से होती है। नंबर 6, किसिंग बग्स। वो कीड़े हैं जो दुनिया के कुछ हिस्सों में आम हैं, बशमूल वस्ती वो जनूबी अमरीका और मैक्सिको। दोस्तों, ये कीड़े आमतौर पर रात के वक्त इंसानों के जिस्म और होंठों पर काटते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस बग ने काटा है और बुखार, थकावट या पट्ठों में दर्द जैसी अलामत का सामना कर रहे हैं तो आपको फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस बग के काटने के बाद फौरन इलाज ना किया जाए तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। इसीलिए बीमारी को मजीद संगीन होने से रोकने के लिए इब्तदाई इलाज जरूरी है। दोस्तों, इसका शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बहुत कसीर तादाद में हैं और यही वजह है कि आज दुनिया में लाखों की तादाद में जानवर इस मक्खी के काटने की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 5, फ्लीज। दोस्तों, ये एक ऐसा कीड़ा है जो मुसलसल चलता रहता है और इंसानों और जानवरों का खून इसकी खुराक होती है। दोस्तों, माना कि ये आपको बहुत छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा है लेकिन ये पूरी दुनिया में फ्लैग जैसी बीमारी को फैलाने का सबब बनता है और इसी बीमारी की वजह से 25 लाख लोगों की अमवात भी हुई थी। दोस्तों, ये कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के परिंदों का खून चूसते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके शिकार में इंसान भी आते हैं। दोस्तों, अगर ये इंसानों पर हमला आवर हो जाए तो पूरे जिस्म पर सूजन और दर्द शुरू हो जाता है और अगर इसकी फौरी तौर पर इमदाद ना ली जाए तो ये आपकी जिल्द इन्फेक्शन का बायस भी बनता है। दोस्तों, अगर आप अपने घरों में पालतू जानवर रखे हुए हैं और इन्हें बग से बचाना चाहते हैं तो मुसलसल स्प्रे और डॉक्टर से मशवरा करें। दोस्तों, जब भी ये किसी इंसान का खून चूसते हैं तो इसी दौरान वो हजारों की तादाद में अंडे भी देते हैं। नंबर 4, सेट्सी फ्लाई। ये एक बड़ी काटने वाली मक्खी है जो सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों, इस मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी फैलती है। ये बीमारी मुतअद्दिद अलामात का सबब बन सकती है जैसे बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द और आखिरकार नींद में खलल पैदा होना। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान मर भी सकता है। दोस्तों, ये मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है और ये इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से हर साल 5 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके जिस्म में पैरासाइट्स छोड़ देती है जिससे इंसान अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो देता है और यूं उसकी मौत वाकई हो जाती है। इसकी लंबाई 6 से 16 मिलीमीटर तक होती है। इसी वजह से इसे सबसे खतरनाक मक्खी करार दिया जाता है। नंबर 3, बुलेट आंट। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। दोस्तों, ये एक ऐसी चींटी है कि जिसके काटने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपको पिस्तौल से गोली मारी हो और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि आपके जिस्म में जाते ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ये छोटी चींटी वस्ती और जनूबी अमरीका में पाई जाती है और अपने जहरीले तकलीफ देह डंक के लिए मशहूर है। अगरचा ये चींटी जानलेवा नहीं होती लेकिन इसके काटने से आपके जिस्म में कई घंटों तक शदीद दर्द रह सकता है। नंबर 2, वास्प। दोस्तों, एशिया में पाए जाने वाला ये बग सबसे खतरनाक कीड़ों में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस छोटी सी मक्खी के अंदर एक सांप के बराबर जहर पाया जाता है। इसीलिए ये जिस भी इंसान और जानवर को काटती है तो वो वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों, इसे अपने से छोटे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ये मक्खी पाकिस्तान और भारत में कसरत के साथ पाई जाती है और शहद की मक्खियों की तरह दरख्तों और पौधों के साथ अपना घोंसला बनाती हैं। नंबर 1, सिडनी फर्नल वेब स्पाइडर। दोस्तों, ये मक्खी की एक ऐसी किस्म है जिसके काटने से इंसान की मौत होने का भी इम्कान होता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक हो सकता है लेकिन ये फर्नल वेब की बदौलत नहीं है। इसके दांत तेज होते हैं और एक बार काटने से ही इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, ये स्पाइडर ठंडी और ढकी हुई रिहाइश गाहों में रहते हैं मगर 1960 में जब से एंटी वर्म बनाया गया है इसके बाद से अब तक इस मकड़ी के काटने से सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी आज की वीडियो से काफी कुछ जाना होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।